हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने जूफी फूड में बनाने वाले हैं बड़े ही जायकेदार मसाला चना चाट। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हमने एक कटोरी चने रात को सोख कर कर रख दिए थे, देखिए सुबह को ये ऐसे हैं। और हम इसको एक कुकर में शिफ्ट कर देंगे। हमने अपने चने पहले धो लिए थे, उसके बाद भिगोए थे। देखिए कुकर में मैंने शिफ्ट कर दिया, पानी वही है मेरा जिसमें मैंने भिगोया था। और ये हमारा आधा चम्मच नमक है, ये हम इसमें डाल के 3 सीटी लगाएंगे और 15 मिनट के लिए कम गैस कर देंगे। जब हमारे चने पूरी तरह से उबल जाएँ तो उसको हम पानी निकाल लेंगे। और कुछ मसाले ये लेंगे, सब्जियाँ, ये देखिए एक टमाटर लिया है हमने, आधा चम्मच से भी कम जीरा, और आधा प्याज लंबे लंबे स्लाइस में काट लेंगे। एक चम्मच हमने इसमें तेल डाला है और हमने अपना इसमें ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा हमें जलाना नहीं है, हल्का सा ब्राउन करना है, ये देखिए। और इस सुबह सुबह नाश्ते में बड़े ही मज़ेदार एक कप चाय के साथ मज़ा आ जाता है खाने में। ये देखिए डाली हमने अपनी प्याज, प्याज हम हल्की सी सौटे करेंगे, हमें इसका कोई रंग नहीं बदलना है, हल्की सी सौटे करनी है हमें अपनी प्याज। ये देखिए मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ, आप खाइए, नाश्ते में मज़ा आएगा, गरम गरम चाय के साथ चने, आए हाय क्या बात है। चलिए अब हम अपनी प्याज को होने देते हैं। देखिए हमारी प्याज अच्छे से चला लेते हैं, देखिए प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई। अब हम इसमें अपने टमाटर ऐड करते हैं। टमाटर आपको गोल गोल ही काटने हैं, इससे हमारे टमाटर बहुत जल्दी मैश होंगे फटाफट एकदम। ये देखिए इस तरीके से हमें टमाटर को फैला लेना। और 1 से 2 पिंच इसमें हम सॉल्ट, ये देखिए नमक हम डालेंगे और अपने इसको हम ढक देंगे अपने पतीले को, ये देखिए इस तरीके से हम। और आधा मिनट के लिए हमें इसे ढका रहने देंगे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं और गैस अपनी कम कर देंगे, इससे हमारे टमाटर स्टीम और नमक से जल्दी गल जाएंगे। ये देखिए आधा मिनट हो चुका है, अब हम इस ढक्कन हटाते हैं अपने मसाले का। ये देखिए अब हम अपने टमाटरों को चला लेते हैं और घोटेंगे इस तरीके से, चम्मच मार मार के इस तरीके से पिटाई कर देंगे अपने टमाटरों को और एकदम कचूमर बना देंगे अपने टमाटर का। ये देखिए इस तरीके से अपने टमाटर को खूब अच्छे से घोट लेंगे। अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, पूरी तरीके से मसाला हमारा चटका नहीं है, इसमें हम थोड़ी सी देर और ढकेंगे, थोड़ी देर के आधा मिनट, मुश्किल से आधा मिनट। आप बनाएंगे 5 मिनट में चने बनकर एकदम रेडी हो जाएंगे, अगर आपके चने उबले हुए हैं तो। ये देखिए एकदम हमारा एकदम मसाला सॉरी एकदम चटक चुका है तेल, ये देखिए टमाटर एकदम घुट गए हैं। अब हम ये देखिए हमारे चने हैं, हम इसमें मसाला ऐड करते हैं। कुछ चनों में हम मसाला ऐड करेंगे, अपने टमाटरों में नहीं डालेंगे। देखिए नए तरीके के चने एकदम, ये देखिए आधे चम्मच से थोड़ी सी हम कम लाल मिर्च डालें, क्योंकि हम मसाले सुबह सुबह खा रहे हैं तो हमें ज़्यादा मसाले नहीं खाने हैं। ये देखिए 1/4 चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डाला है हमने, और आधा चम्मच भरकर डालेंगे हम इसमें चाट मसाला। बस हमारे 3 मसाले जाएंगे, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जाएंगे, फिर भी हमारे चने इतने टेस्टी बनेंगे। ये देखिए हमने अपने टमाटर में अपने चने पलट दिए हैं और इसको खूब चटकाएंगे हम चला चला कर। ये देखिए इस तरीके से चलाते रहेंगे, गैस अपनी तेज़ रखनी है इस टाइम पर हमें, और खूब अपने चनों को में मसालों को लपेटना है इस तरीके से। देखिए एक हरी मिर्च डाल देते हैं इसमें हम और इसको खूब चटकाएंगे। गैस हमने अपनी कम कर दी है, अब थोड़ी देर इसको ऐसे ही भुनने देंगे इस तरीके से। पूरा पानी हमें इसका सुखा देना, खूब अच्छे से चटका लेना है और ऊपर से नींबू डाल के मज़े से खाना है। ये देखिए अब हम इसको चेक करते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पतीले में एकदम मसाला एकदम चटक चुका है। गैस हम अपनी बंद कर देते हैं, इसको सर्व करते हैं। ये देखिए कितने कम मसालों में फटाफट बन जाने वाले चने, और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में, मज़ा आ जाता है खाकर। मैंने सुबह सुबह नाश्ते बनाए थे, आप भी बनाइए। ये देखिए चले हमारे रेडी हो चुके हैं, मैंने थोड़ा हरा धनिया डाल दिया था गार्निश करने के लिए। ये देखिए चने कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।